के पास ये दीदी कितने में दे रही हैं? $7,718 और अपने पास है $7,716। $7,500 में दे दे तो भी ले जाएंगे। 7,500 में दे दो दीदी। अरे दीदी क्या बात है, वेरी गुड। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल सिमुलेटर 2023। और इस गेम में आज हम करने वाले हैं कुछ कारें सेल, और जिससे हम कमाएंगे बहुत सारा प्रॉफिट। और इस गेम के अंदर बहुत सारे मैप्स दिए हुए हैं, उन मैप्स को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। जैसे ये सब है कार मैप, कार मार्केट, नेबरहुड, गैस स्टेशन, रेड बार, ये सबको हम जाएंगे और उनको सबको एक्सप्लोर करेंगे इस गेम के अंदर में। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आज का दिन शुरुआत करते हैं कार बेच के। तो उसके लिए हमें एक कार परचेस करने पड़ेगी, जिसके लिए हम जाएंगे पहले सबसे पहले नेबरहुड में। और नेबरहुड में जाने के बाद हम फाइंड कर लेते हैं कोई सस्ती सी और अच्छी सी कार, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ $11,947 पड़े हैं। तो उस हिसाब से हम कुछ एक कार देख के उसे सेल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हम जाएंगे बाकी मैप जो है उनको एक्सप्लोर करेंगे, मतलब बाकी लोकेशन मैप नहीं। तो चलिए फटाफट से हम चलते हैं। एक आध कार देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, कोई आसपास में कार वगैरह है कि नहीं है। A few moments later. तो यहाँ पर मुझे एक कार मिल गई है, पहली कार। देखते हैं इसको कितने रेट में दे रहा है ये भाई, टोपी वाले भाई साहब, क्या रेट में दे रहे हो। हमारे पास अभी स्किल नहीं है। अच्छा, मैं स्किल खोल सकता हूँ अपना बार्गिन वाला, तो पहले मैं स्किल खोल लेता हूँ अपना। हाँ, तो यहाँ पर हमारा एक स्किल पॉइंट अनलॉक हो चुका है या होने वाला है। बार्गिन का इसका ऑप्शन दे रहा है, इसको हम अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक कॉस्ट है एक स्किल पॉइंट, और हमारे पास अभी एक स्किल पॉइंट नहीं है। ये 45 पेट का हुआ है, एक्सपीरियंस हमारा 50 होगा, तो हम एक बार्गेन को अनलॉक कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास नहीं है अनलॉक करने के लिए, तो हम इन भाई साहब से बात करते हैं, देखते हैं क्या रेट में बेच रहे हैं ये कार को। और इन भाई साहब को 13,000 में बेचना है, और हमारे पास उतना है नहीं फिलहाल में। तो और देखते हैं दूसरी कार, यहाँ पर भी एक कार पड़ी हुई है जो काफ़ी टूटी फूटी सी लग रही है। देखते हैं क्या रेट देती हैं ये दीदी जी। देख बताइए दीदी जी, क्या रेट का दे रही हैं आप? सुबह सुबह का टाइम है, $89,000। बाप रे, इतना महंगा। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ये टूटी फूटी कार का इतना रेट यार, बहुत ज़्यादा रेट लगा रही है। यहाँ सामने एक और कार रखी हुई है, देखते हैं इसका रेट क्या है। और भाई साहब छोटी सी पिद्दी सी कार है, इसका तो आराम से सस्ता रेट लगा लेना। हाँ तो भाई साहब कितना रेट लगा रहे हैं आप? $3,759। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं परचेस। और परचेस करने के बाद हम हमारा एक और एक्सपी पॉइंट हमारा एक अनलॉक हो चुका है स्किल पॉइंट, तो हम सबसे पहले ये बार्गेन वाला अनलॉक करेंगे। इसको अनलॉक कर लेते हैं, ताकि अब हम आगे से कार खरीदें तो हम कुछ मोल भाव कर सकें इस कार को ख़रीदने के लिए। और यहाँ से पहले मैं देख लेता हूँ इस कार के अंदर क्या क्या दिक्कतें हैं। कार पैनल, इसकी गेट टूटी हुई है, बैक टूटा हुआ है, इसमें डर्ट है, डर्टी 70% है, फ्यूल 35% है। तो इसको हम रिपेयर करा के फिर बेचेंगे, और देखते हैं कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं इस कार पे। हम पहले फ्यूल फुल कर लेते हैं इसका, और इसको भेज देते हैं रिपेयर पे। और रिपेयर पे भेज के हम चलते हैं, इसको देखते हैं कि कितना इसका खर्चा आता है रिपेयर करने में। तो फटाफट से मैं मिलता हूँ आपको रिपेयर स्टेशन पे। तो ये अब हम आ चुके हैं ऑटो रिपेयर पे, और यहाँ पर हम चल के मैकेनिक से पूछते हैं हमारी कार में कितना खर्चा पड़ रहा है। भाई साहब बता दो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द कार। कैसे भाई, अभी तो देखा था मैं कार में बहुत सारी दिक्कतें थी, कैसे ठीक हो गया ये? हाँ, 100% फ्यूल है, डर्टी है, कार में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कैसे यार? इसको रिपेयर करने से ही मना कर दिया भाई साहब लोग ने। इस कार को हम थोड़ा सा पेंट करा लेते हैं, यहाँ पर इस जगह पे आके पेंट करवाना है। तो फटाफट से मैं उतर के यहाँ से इसको पेंट करा लेता हूँ, थोड़ी बहुत नई नवेली दिखेगी अपनी कार। इसका कलर कर देंगे फैक्ट्री कलर, और करंट कलर क्या है फैक्ट्री कलर में, हम इसको कुछ और देख सकते हैं क्या? ब्लू, ग्रीन, रेड ना, ठीक है, ये ब्लू कलर ठीक दिख रही है। और पॉलिश में इसको मेटलिक, हाँ इतना ठीक है, अच्छा लग रहा है। और पार्ट्स वर्ट्स वगैरह कुछ है, बैक राइट फेंडर, तो पार्ट्स में तो सब कुछ नहीं है, पॉलिश करा लेते हैं इसको। ठीक है, ये हो गई अपनी कार पेंट, और थोड़ी सी अच्छी लग रही है लुक।
अब इसको ले कर चलते हैं हम इसे बेचने के लिए और अपनी ऑफिस में ले जा के इसको लगाते हैं, सेट करते हैं ऑफिस के पास में। तो ये अब हम आ चुके हैं अपने शोरूम के पास में अपनी कार को पेंट वेंट करके, और यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर इस तरीके से लगा देता हूँ। और लगा के यहाँ सबसे पहले अपना इंजन बंद कर देंगे हम। इंजन बंद करने के बाद में कार से निकल जाते हैं बाहर, और यहाँ पर पड़ा हुआ है कुछ कचरा, इसको भी उठा के फटाफट से हम डाल देते हैं डस्टबिन के अंदर, क्योंकि कचरा जितना हम उठाएंगे उतना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा। और हमारी ऑफिस खोल लिया है हमने, और खोलने के बाद हम चले आते हैं अपने टेबल पे, और टेबल पे आके यहाँ पर वेब पेज से हम इस कार को फिएट पांटा कार इसको भेज देते हैं। तो मैं रख देता हूँ इसका नाम पांटा कार फॉर सेल, और सेल ओके। हमने इसे ख़रीदा था $3,759 में, $200 का हमने इस पर पेंट कराया है, तो हो गया इसका $3,900 के समथिंग खर्चा हो गया है। तो मैं इसका रेट रख देता हूँ $5,500 का, देखते हैं ये सेल होती है या नहीं। तो चलिए हमने इसे लगा दिया है अभी सेल पे, और हम कर लेते हैं थोड़ा सा इंतज़ार, कोई आ जाए तो हम इसे बेच दे। देखो कार कितनी अच्छी लग रही है लुक। अरे इसका डर्ट वर्ट यार मैंने साफ़ नहीं किया, चलो ठीक है, अभी वैसे भी डर्ट साफ़ करने वाला हमारे पास है नहीं, इसको हम अनलॉक करेंगे, फिर इसके बाद अनलॉक करने के बाद हम डर्ट वर्ट को साफ़ करेंगे, और फिर डर्ट साफ़ करने के बाद बेचेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रेट निकलेगा कार को बेचने के लिए। फ्यूल वैसे हमने इसको फुल कर दिया है, फ्यूल में भी हमने पैसा खर्चा किया है, और अभी तक तो फ़िलहाल कोई आ रहा नहीं है यहाँ पर, शायद से रात होने वाली है इस वजह से कोई भी यहाँ पर आ रहा नहीं है। कोई कस्टमर आ जाए यार, रात होने वाली है तो क्या, अपना दुकान तो खुला हुआ है, मतलब दुकान नहीं अपनी ऑफिस। हाँ एक बंदी आई, चलो इसी के साथ रात भी हो गया। ये जो रेट बोलेगी देखते हैं क्या रेट बोलती है, अगर जमेगा तो ठीक, नहीं तो अगले दिन आके इसको बेचेंगे। 5,500 बोला है मैंने इसे, और 4,738 दे रही है यार, बहुत कम दे रही है ये, इसमें लगभग 4,000 के समथिंग का खर्चा हुआ है, तो ठीक है लगभग लगभग चल जाएगा, इसको सेल कर देते हैं फिलहाल, क्योंकि रात हो चुका है, रात के टाइम में हम ज़्यादा मगजमारी करेंगे नहीं, और अपनी ऑफिस को हम कर देते हैं यहाँ से क्लोज़ एंड हो जा क्लोज़ भाई। हाँ ये हो गया अपना ऑफिस क्लोज़, और इस ऑफिस को क्लोज़ करके हम चले जाते हैं सोने के लिए, और सो के हम आते हैं जल्दी फटाफट से सुबह करके, और इसके बाद हम जाएंगे अगले दिन कार मार्केट घूमने के लिए, कार मार्केट या ऑक्शन हाउस कुछ भी जाएंगे, और वहां से अपना मैप एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा बहुत जगह लोकेशन देखेंगे, वहां क्या क्या रेट की कारें मिल रही हैं वो सबको हम देखेंगे। तो आज हमारा प्रॉफिट कुछ खास तो हुआ नहीं है, $1,000 का हुआ है, ठीक है इतना भी काफ़ी है, चलेगा। चलिए नेक्स्ट डे हो गया है, हो चुकी है प्यारी से सुबह, और यहाँ से हम चलते हैं, सबसे पहले हम जाएंगे अब यहाँ से नेबरहुड तो हम जा चुके हैं, कार मार्केट चलते हैं, कार मार्केट देख के आते हैं यहाँ पर क्या क्या है, खुला है कि नहीं खुला है कार मार्केट। ओह तो आज कार मार्केट बंद है, द ऑक्शन हाउस खुलने वाला है आज 3 बजे, ठीक है तो हम ऑक्शन हाउस जाएंगे 3 बजे, उससे पहले हम चलते हैं यहाँ से फिर एक नेबरहुड में जाके कुछ कार वगैरह देख के आते हैं, कुछ कारें हैं कि नहीं लो, इन लोगों के पास में कुछ अच्छी कारें मिल जाए। अपने पास हो चुका है $12,630, उसके हिसाब से हम कार खरीदेंगे इस बार। तो बार्गेन का ऑप्शन हमारा खुल चुका है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहा है, तो इसके पास बार्गेन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और अब फिलहाल में हम वैन कुछ नहीं खरीदेंगे, कार ही खरीदेंगे, कार बेचेंगे, क्योंकि वैन जल्दी बिकती नहीं है। ये कार भी थोड़ी अच्छी दिख रही है ब्लैक शाइन में, लेकिन ये बहुत महंगी होगी भाई, देखते हैं क्या रेट बोलता है ये। हो बहुत सस्ती दे रहा है, तो ₹2,731 में, अच्छा इसको बार्गेन करके देखता हूँ मैं क्या रेट दे देगा ये अपने को, 2500 में देगा क्या, 2500 ओके ऑफ़र करके देखते हैं ये 2500 में दे रहा है कि नहीं। इट्स नॉट, नहीं दे रहा यार ये 2500 में नहीं दे रहा है, 2700 रेट रखा है ना, तो 2631 डाल के देखते हैं इसका पूरा रेट, $100 सिर्फ कम किया है हमने, अब तो दे दे भाई 2631 में, थैंक यू। ओह ले लिया क्या, दे दिया भाई इसने तो 2631 में दे दिया। और इस कार के अंदर मुझे नहीं लगता उतना कुछ खास दिक्कत होगा, तो मैं इसका पहले देख लेता हूँ,
एक डोर का डैमेज है और फ्यूल 56% है, डर्टी है थोड़ा सा, पेंट उखड़ा हुआ है बस, डैमेज 11% है। ठीक है, तो इसको मैं रिपेयर पे लेके जाता हूँ और रिपेयर वन पे भेज देते हैं हम इसको। अब इसके बाद हम जाएंगे यहाँ से, डायरेक्ट जाते हैं हम बार जाते हैं, रेड बार जाएंगे। वहाँ पर एक बंदा रहता है जो कि हमें टैबलेट बेचेगा और उस टैबलेट से हम फिर अपने कार की फ़ोटोज़ खींचेंगे और फ़ोटो खींच के हम उसको डालेंगे सेल पे, क्योंकि फ़ोटो डला होगा तो ज़्यादा अच्छे से हमें प्राइस मिल पाएगा और बहुत जल्दी कस्टमर भी आएंगे। तो हम ये आ चुके हैं अब रेड बार के पास में। कहाँ गया यार रेड बार, ये रहा रेड बार, यहाँ पर चलते हैं। और यहाँ पर जो फ्रंट डोर के पास में ही एक बंदा खड़ा रहेगा, यही हमें बेचेगा टैबलेट। देखो टैबलेट भी इसके पास में, हैमर भी है, हैमर की भी ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो फिलहाल में मैं $1500 में टैब खरीद लेता हूँ और ये हैमर है, हैमर को भी ले लेते हैं और इसके बाद चलते हैं हम वापस रेड बार, देख लेते हैं अंदर से पहले। यहाँ पर कुछ बियर वियर बिक्री है। वो भाई पूरा कंटेनर लेके बैठा है क्या पीने के लिए? आंटी जी कोई सस्ती सी बार है, बियर वियर है? ओह मैंने पी भी लिया, क्या बात है। और यहाँ पर चल रहा है अंदर में दिन दहाड़े जुआ, तो हम तो नहीं खेलने वाले हैं क्योंकि हम जुए हुए से थोड़ा बाहर रहते हैं, हमें ये सब चीज़ें पसंद नहीं है और उतनी आती भी नहीं है, तो क्या करेंगे खेल के। ठीक है, तो यहाँ हम कभी और आएंगे और हम सीख वेख के आएंगे इस गेम में कैसे जुआ खेलते हैं और उसके बाद जुआ खेल के भी पैसे बहुत सारे कमाएंगे। तो ठीक है, यहाँ हमने अभी फ़िलहाल में कार मार्केट जाके आ चुके हैं, यहाँ कार मार्केट बंद है और नेबरहुड नहीं गैस स्टेशन, अरे वो कहाँ गया, ऑक्शन हाउस कहाँ गया यहाँ से, ऑक्शन हाउस गायब हो गया क्या? अच्छा ऑक्शन हाउस अपने ऑफिस के पास में ही है, तो ऑक्शन हाउस 3 बजे खुलने वाली थी, अभी कितना टाइम हो गया है, यहाँ 11:10 हो रहा है। तो ठीक है, उसके बाद कार मार्केट तो नहीं जा रहे, हम गैस स्टेशन चल के देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये आ चुके हैं गैस स्टेशन में और यहाँ पर क्या करा सकते हैं हम, ऑयल फिल करा सकते हैं क्या, फिल करा सकते हैं। ई टॉक, आई कैन ऐड फ्यूल देयर, प्लीज़ पार्क योर कार इन द मिडल। अच्छा कार हम ले के आ सकते हैं और ला के भी यहाँ से फिल करा सकते हैं, बस इतना ही सा काम है यहाँ पर, इसलिए गैस स्टेशन दिया हुआ है। अच्छा हम कार को साफ़ भी करा सकते हैं, यहाँ पर कार को साफ़ कराने की जगह दी हुई है कार वॉश की। और कुछ है क्या यहाँ पर आगे पीछे, यहाँ तो कुछ नहीं है। और ये जगह कहाँ है, ये क्लोज़ है, टॉयलेट जो है क्लोज़ है। ठीक है, उतनी ख़ास तो है नहीं, यहाँ पर एक कार भी खड़ी है, दो ठोक कारें आ गई, दो ठोक स्पॉन हो गई फिल भराने के लिए। चलिए, तो हम गैस स्टेशन घूम लिए, कार मार्केट तो बंद है फिलहाल और चलते हैं ऑक्शन हाउस, 3 बजे जाना है ऑक्शन हाउस। उससे पहले हम जाएंगे अपनी कार को देख लेते हैं, यहाँ पर 12 बज चुके हैं, हमें 3 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर हम जाएंगे ऑक्शन हाउस क्योंकि आज ऑक्शन हाउस खुलने वाला है, वो भी 3 बजे, तो 3 बजे तक हमको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो भैया बताओ क्या क्या खर्चा है इसमें, बैक राइट डोर का खर्चा है $110 का। ठीक है, तो रिपेयर कर दीजिए इसको $110 का और थोड़ी देर में ये रिपेयर हो जाएगा और रिपेयर होने के बाद हम इसको पेंट कराएंगे और फिर पेंट कराने के बाद बेचते हैं। और जब तक हमारे पास एक टैबलेट आया हुआ है ना, तो टैबलेट को देख लेते हैं कैसा है। ओह यहाँ से कैमरा खोल सकते हैं हम, और कैमरा खोल सकते हैं, डेकोरेशन भी यहीं से कर सकते हैं, अपग्रेड्स भी यहीं से, वेब पे से यहीं से बेच भी सकते हैं हम, अपने टैबलेट से ही कार को भी बेच सकते हैं। ठीक है, वो कोई कार है अपने पास फ़िलहाल में, एक कार तो है मगर अभी ऑफिस के अंदर नहीं है इसलिए बेच नहीं सकते। और यहाँ फ़ोटोज़ डालने का है, फ़ोटो खींच के डाल सकते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ खींचे हुए हैं पहले के मेरे शायद, या जिसके भी ये टैबलेट होंगे उसके खींचे हुए। तो हम जो हैमर खरीदे हैं उस हैमर का यूज़ यहाँ पर होने वाला है जंक यार्ड में, और जंक यार्ड में अगर कुछ कार वार आता है तो हम उसको खरीद सकते, तोड़ ताड़ सकते हैं। कलेक्ट ट्रैश, इतनी सारी ट्रैश दिया हुआ है यार, ये किस काम का है, ट्रैश कलेक्ट करके क्या करना रहेगा, सब तो कार के व्हीकल दिए हुए हैं, सिर्फ जो हैंडल रहता है वही है। यहाँ कुछ बात कर सकते हैं क्या भाई इधर से, फॉर मेटल वाज सोल्ड, अच्छा यहाँ से ख़रीद के बेच भी सकते हैं, क्या बात है, अच्छी बात है। और कार तो वो कार वार वगैरह कुछ है नहीं, देखते हैं हमारी कार रिपेयर हुई कि नहीं हुई। एक कार पेंटिंग में रखी हुई, अच्छा किसी और की कार है, हमारी कार शायद से हो गई है रिपेयर,
तो ये हो चुकी है फाइनली रिपेयर यहाँ पर, और देख लेता हूँ मैं इसका। हाँ, ये सब चीज़ पेंट में थोड़ा सा दिक्कत है, शायद ओरिजिनल पेंट नहीं है इसका, पेंटिंग में 14% पेंट का दिक्कत है। तो चलिए मैं इसको पेंट भी कर लेता हूँ और इसको फुल हम रेडी करके फिर बेचेंगे, क्या रेट का बिकता है ये देखते हैं। अच्छे से तगड़ा खर्चा करेंगे इस कार के ऊपर हम, और ठुके ठाके ना भाई कहीं भी, प्लीज़ ठुकना नहीं। हाँ, अरे कुछ दिख रहा नहीं मेरे को, ठोकना नहीं। हाँ ठीक है, चल, पेंटिंग के पास चल, थोड़ा सा पेंट भी करा लेते हैं इससे। बस हो गया, सही है। इंजन बंद करो, उतर जाओ बाहर, निकल जाओ। चल भैया, आ जा, पेंट कर लेते हैं इसको। कौन से कलर में करेंगे पेंट? फैक्ट्री कलर देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ है क्या ढंग का? ब्लू है, ग्रीन है, ग्रीन भी ढंग की नहीं दिख रही। ये ना भाई डार्क में ही ठीक लग रही है, तो हम इसे डार्क में ही रहने देते हैं और पॉलिश थोड़ा सा पॉलिश कर देते हैं $200 का, ठीक है, इतना काफ़ी है। यहाँ से निकलते हैं अब इस कार को लेके बाहर फिर से। कार को स्टार्ट कर लेते हैं और बैक करेंगे और डायरेक्ट चलेंगे हम अपने ऑफिस के पास में। ओ भाई भाई भाई, क्या मोड़ा ये तो। इस गेम में कार की स्पीड कुछ ज़्यादा ही है। तो ठीक है, ये अब हम आ चुके हैं अपने ऑफिस के पास में और फिर हम इसे खड़ी करेंगे कुछ इस तरीके से। और यहाँ से हम, अरे एक सेकंड, हम तो इंजन बंद करना ही भूल गए। कार का इंजन बंद कर लेते हैं पहले। कार का इंजन हो गया बंद, ठीक है। अब हम अपना निकालेंगे टैब और टैब से फ़ोटो खींच खींच के इसकी डालेंगे, अच्छे से फ़ोटो खींचेंगे ताकि हमारा जो सेल है वो जल्दी हो जाए। सेव हो गया ये एक लोकेशन, एक यहाँ से फ़ोटो खींच लेता हूँ, ये भी अच्छा दिख रहा है, ठीक है। एक बैक साइड से खींच लेता हूँ। अरे कहाँ का खींचा गया भाई, बैक साइड से थोड़ा सा पास जाके, बस ये सही जगह है, ठीक है। और एक यहाँ से इस साइड से, ठीक है, सबका हो गया सेव। और हम लगाएंगे इसको अब सेल में। तो इसका नाम है 504 क्लासिक, ठीक है। इसको हम लगाते हैं सेल पे, यहाँ से फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, ये एक फ़ोटो हो गई और इसकी बैक की फ़ोटो एक, और इसके बाद साइड की फ़ोटो ये वाली, और एक साइड की फ़ोटो थी, एक साइड की और फोटो थी शायद, वो हट गई है वो, ठीक है। इस टाइटल का नाम रख देते हैं क्लासिक कार, क्लासिक 504 है ना, क्लासिक 504, ओके। इसका हमने ख़रीदा था 2631 में, $310 का हमने इसके ऊपर खर्चा किया हुआ है, और इसका हम बेच देते हैं। और ये टोटल 131644 किलोमीटर चली हुई है भाई, तो हम इसे बेचेंगे। इसके ऊपर खर्चा तो ठीक ठाक किए हैं, 5000 का रेट रख के देखते हैं, अगर बिक जाए तो अच्छी बात है। 5000, ठीक है, तो मैं इसको लगा देता हूँ सेल पे। हमारी हो गई है कार सेल के लिए रेडी। और अपग्रेड्स के अंदर में अपना ऑफिस अपग्रेड कर सकते हैं हम, डेकोरेशन कर सकते हैं। अच्छा, डेकोरेशन तो फ़िलहाल नहीं करना है अपने को। ओ, जो यहाँ पर हमने बार ख़रीदा था वो ये बार यहाँ पर रखा हुआ है, और इसको हम अंदर में चल के पीते हैं। और एक सेकेंड, अपना ऑफिस क्लोज है, इसको ओपन कर लेते हैं तभी तो कस्टमर आएंगे। ओ शिट यार भाई, 6:45 हो गया और हम कार ऑक्शन में गए ही नहीं। चलो ये पास में ही है ऑक्शन, कार ऑक्शन देखते हैं, क्लोज हो गया शायद, ये 3 बजे ही खुलने वाला था और हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं भाई। कार ऑक्शन बंद हो गया, गड़बड़ हो गई। कार को रिपेयर कराते हम भूल ही गए कि 3 बजे हमें हमारा कार ऑक्शन जो है वो खुलने वाला था, तो वो हो चुका है बंद।
ठीक है, तो चलते हैं ऑफिस। अपनी डर्टी है, दिखा रहा है, इसको थोड़ा बहुत साफ़ सुथरा कर लेते हैं, और साफ़ करने से हमें फिर से मिल जाएंगी एक्सपीरियंस। ये सब काम के लिए हम बाद में एक वर्कर भी रखने वाले हैं, और वर्कर से ये सब काम करवाएंगे, वो सब कचरा उठाएगा और फेंकेगा, कार को भी साफ़ रखेगा और अपनी ऑफिस को भी साफ़ रखेगा अगला। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको भी उठा लेता हूँ, और ये हमने उठा लिया, और चलो इसको डाल देते हैं। अभी तक तो फ़िलहाल कोई भी नहीं आया है ख़रीदने के लिए। ज़्यादा रेट तो नहीं रख दिया हमने, वैसे फ़ोटो तो अच्छा। फिर 7 बज गया ना भाई, शाम हो गई है इसलिए। तो एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं हम अपना ऑफिस, और कल ही आएंगे इसको बेचने के लिए। वैसे भी अंधेरा हो गया, देखते देखते ही अंधेरा हो गया। चलो ऑफिस को क्लोज़ करते हैं, सुबह आएंगे, सुबह करते हैं इसको सेल। 12 hours later. कार मार्केट इज ओपन। अच्छा, कार मार्केट ओपन है आज, तो चलिए कार मार्केट ही चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। तो ये आ चुके हैं हम कार मार्केट, और ये सुबह सुबह खुल चुकी है। 7:17 हो रहा है अभी, और यहाँ पर कुछ कारें तो दिख रही है अच्छी अच्छी। ठीक है, एक एक करके रेट पूछते हैं। सबसे पहले इससे पूछते हैं क्या रेट का दे रहा है भाई, बता दें। 10,047, और हमारे पास 7,000 है। बार्गेन करके देखिए एक बार, 7,000 में देगा क्या भाई? नहीं देगा मालूम है, लेकिन एक बार ट्राई कर लेते हैं। कैन नॉट एक्सेप्ट, नहीं खरीदेगा मालूम है। अब उतना पैसा भी नहीं है हमारे पास, तो हम वैसे भी नहीं खरीदने वाले। ठीक है, देखते हैं इनके पास, ये दीदी कितने में दे रही हैं। $7,718, और अपने पास है $7,716। ठीक है, बार्गेन करके देखते हैं। 7,500 में दे दे तो भी ले जाएंगे, 7,500 लगा दे, 7,500 में दे दो दीदी। अरे दीदी क्या बात है, वेरी गुड। ओह, कार की भी हालत बकवास दिख रही है, मगर क्या क्या ख़राब है इसका। एक दो का डैमेज 26% है, 14% इसका पेंट है, डर्टी है थोड़ी सी, और ये 30% का फ्यूल है। ठीक है, इसको भी ले चलते हैं, और अपने एक सेकेंड यहाँ से ले जाके रिपेयर टू पे रख देते हैं इसको। अभी 2122 हमने ख़रीदा नहीं है, तो इसलिए हम 2 पे नहीं ले जा रहे हैं, इसको रिपेयर पे ही ले जा रहे हैं। वहाँ से पास पड़ेगा अपना ऑफिस, तो हम ऑफिस की तरफ में इसको चला कर ले जाएंगे, और खर्चे वर्चे भी देख लेंगे, कुछ खर्चे में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर बन जाता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं पहले अपने ऑफिस को कर देता हूँ ओपन, और यहाँ पर लगा देंगे हम उसको सेल पे वापस से, और फिर उसके बाद हम जाएंगे उसको रिपेयरिंग का देखेंगे कि क्या है खर्चा क्या है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फिर से कर देता हूँ ओपन इसको। अपना ऑफिस हो चुका है ओपन, और ये अपनी कार सेल पे है कि नहीं है देख लेते हैं एक बार। वेब पेज पे एक है, सेल पे है। ठीक है, सेल पे है, कोई कस्टमर आता है, जब तक मैं देख के आता हूँ इसके पीछे कितना खर्चा है अपनी कार को। एक और कार जो हम कार मार्केट से लेके आए हैं, वो यहाँ रखी हुई है रिपेयर के लिए, तो वो पूछ के देखते हैं भाई कितना खर्चा है इसके अंदर। $268, और मेरे पास है $200, थोड़ा सा पैसे की कमी हो जा रही है भाई। ठीक है, तो उसको हम नहीं कराते हैं रिपेयर, ऐसे ही बेचेंगे इस कार को। फटाफट से बैठता हूँ मैं, और चलते हैं कार स्टार्ट करके इसको अपने ऑफिस में लेके चलते हैं। ठीक है, तो इस कार को हम ले जाके दूसरी साइड पे रखेंगे, और यहाँ से इस कार को हमने रख दिया इस तरीके से कुछ। ठीक, यहाँ पर रखा गया ये कार, इंजन को कर लेता हूँ बंद, और यहाँ से हम निकल जाते हैं बाहर। ठीक है, इसका भी हम फ़ोटो खींच लेंगे, और फ़ोटो खींच के डालते हैं इसको। अरे पहले खिंचा गया यार, गलती से, सॉरी। यहाँ से ले लेता हूँ मैं इसका फ्रंट लोकेशन। ठीक है, और इसको कर लेते हैं सेव, और इसका साइड लोकेशन यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, और इसका बैक कुछ इस तरीके से, और हमारा पहला कस्टमर आ चुका है यहाँ पर। इसको भी मैं पहले लगा देता हूँ सेल पे, और फिर उसके बाद उससे देखते हैं कि क्या रेट का बोल रहा है अगला कस्टमर। फटाफट से खुल जाए यार, जल्दी खुल जा। इसका नाम क्या है भाई, बहुत बड़ा नाम है इसका, पता नहीं, तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे ही कुछ नाम अपना, BMW 4 सेल लिख देते हैं। BMW, छोटी सी BMW अपनी, BMW 4 सेल। ठीक है, हमने इसको ख़रीदा है 7,500 में,
और इसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा नहीं किया है। ये भी 1,31,000 किलोमीटर चल चुकी है, 7,000 में खरीदा है, 7,500 में खरीदा है, तो इसका रेट रखेंगे 9,500। देखते हैं बिकता है कि 9,500, ठीक है। तो ये भी लग गई है अपनी कार सेल पे। अरे इसका मैंने फ़ोटो नहीं डाला यार, एक सेकंड फ़ोटो डाल देता हूँ। ये रहा फ़ोटो और ये बैक का फ़ोटो और ये वाला कहाँ गया, ये साइड का फ़ोटो। फ़ोटो भी डिलीट करना पड़ेगा भाई पूरा, ठीक है। हो गया, सेल पे लग गया है। ये देखें एक बार कहाँ गया, आजा जल्दी आजा, कस्टमर भाग जाएगा भाई, नहीं खुल रहा। बैक जाओ, फिर से आओ, खुल गया। हाँ ठीक है, दोनों सेल पे लग गई है। और हम यहाँ से पहले पूछ लेते हैं, भैया दो दो कस्टमर खड़े हो गए आके। तो अंकल आप बताओ क्या रेट का लेंगे आप इस कार को, $5,000 पे लेने के लिए तैयार हो? नहीं, 5,000 पे नहीं हो, 3,370 मांग रहे हो? नहीं भाई, तुमको तो नहीं बेच रहा मैं, रुक जाओ इनको, ये अंकल को पूछ के आते हैं। ये सूट बूट में आए हैं, ये पक्का कुछ ज़्यादा रेट लगा देंगे। कितना बोल रहे हो अंकल? मैंने 5,000 बोला है, आप 3,098, आप तो इससे भी कम बोल रहे हो यार। अंकल क्या गरीब इंसान हो, चिंदे टाइप का हरकत कर रहे हो, इतना कोट पैंट पहन के आए हो और ख़रीदने की हिम्मत नहीं? नहीं बेच रहा मैं, जाओ यहाँ से। आप कितना बोल रहे हो भैया? आप तो ले लोगे शायद मेरे ख्याल से। कितना बोल रहा है भाई? 3,347। इतना कम रेट क्यों लगा रहे यार इन लोग? मैंने इसका कितने में ख़रीदा था, बाय प्राइस 2,631 की है, इसीलिए तो 2,631, फिर भी 3,000 के। एक सेकंड रुक जा भाई, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और कोई कस्टमर आए क्या यहाँ पर, इधर के लिए आए हैं, ठीक है। दीदी आप बताओ, 9,500 बोला है मैंने और 7,500 में मैंने इसे ख़रीदा था, आप कितना बोल रही हो? फेयर प्राइस हो, ख़रीदने के लिए तैयार है? ठीक है भाई ख़रीद ले। हो गया परचेस, हो गया ये सेल, हो गया। ये आंटी जा रही है वापस। एक काम करते हैं, ये उतनी ख़ास कार तो है नहीं, सिर्फ दिखने में अच्छी लग रही है मगर उतनी है नहीं अच्छी कार, तो मैं तेरे को भेज देता हूँ भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन। तो 3,347 बोल रहा है ना, एक बार बार्गेन करके देखता हूँ मैं 4,000 तक में। तू एक काम कर, 3,900 दे दे मेरे को, 3,900, ठीक है। 3,900 में मान जाएगा क्या? 3,347 पे ही अटका हुआ है भाई। ठीक है यार, तू खरीद ले, तू खरीद ले, जा रख ले ऐस कर। अरे यार एक कस्टमर और था, मेरे को आगे पीछे देख लेना चाहिए यार बेचने से पहले। ठीक है, तो 2,54 हो चुका है और अभी तो बहुत टाइम बचा है, तो एक काम करते हैं, एक और कार उठा के आते कार मार्केट से। तो कार मार्केट में हम फिर से आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ी कुछ अच्छी वाली कार देख लेते हैं। 13,000 तक अपना रेट है, अपने पास बैलेंस है $13,000 की। तो ये वाली कार थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है, क्या रेट का देख रही दे रही हो दीदी? बता दो, जल्दी बता दो यार, टाइम नहीं है। 18,000 कुछ ज़्यादा है, 10,000 के समथिंग देती तो ले लेता। ये दोनों कार तो नहीं पूछने वाला मैं, इस कार को भी पूछूं कि ना, देखते हैं क्या रेट को दे रही है। 39,000 बोला था ना, इस कार को पूछने से कोई मतलब ही नहीं है, बहुत महंगी कार है भाई। सामने की शायद सस्ती कारें हैं, एक ये वाली पूछ के देखता हूँ मैं क्या रेट का दे रहा है भैया। ओ भैया क्या रेट के दे रहे हो बताओ? 29,000, थोड़ा सस्ता लगा लो यार, क्या है भाई कार। ये वाली भी महंगी कार दिख रही है, छोड़ नहीं पूछ रहा मैं, तेरे से पूछते हैं। अंकल क्या रेट का दे रहे हो आप? इतना छोटे क्यों दिखा रहे हो यार भाई? $10,047, नहीं थोड़ा सा कम लगा लो, 10,047 नहीं, 9,500 में दे दो यार मेरे को, ठीक है। आगे पीछे कुछ नहीं करना भाई, 9,500 में भेज दे। फ्लेक्सिबल ऑन दिस प्राइस भाई, कम करेगा ही नहीं ये, कम तो करना पड़ेगा चचा, नहीं कम करोगे तो कैसे चलेगा? 9,900 में दे दे यार, इतना तो कर दे। आई नीड टू थिंक यू मेड अ रैली। ओह खरीद लिया इसने, ठीक है भाई, 3,000 बच गए अपने पास में। और इसकी हालत देखें क्या क्या ख़राब है, ये तो रेट, अरे बाप रे कितना टूटा हुआ है भाई गाड़ी, ये डैमेज 62% है इसका, इसको तो रिपेयर कराने में हालत ख़राब होगी, घाटे का सौदा कर लिया हमने।
चल भाई तेरे को रिपेयर करा के देखते पहले क्या है तेरा खर्चा। तू चल जा रिपेयर वन पे, और अगर मैं ये ख़रीद लूँ तो मैं रिपेयर नहीं करा पाऊँगा फिर कुछ और। वैसे भी ज़्यादा रेट बोल रही है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। चलो फटाफट से यहाँ से चलते हैं और अपने ऑफिस चलते हैं। शाम भी हो गई है तो फिर हमें अगले दिन ही बेचना पड़ेगा उसको। तो यहाँ से हम चलते हैं इसको ऑफिस में, ऑफिस में जाके थोड़ा सा रिपेयरिंग का खर्चा देख लेते हैं जब तक रात भी हो जाएगी, और फिर इसको बेच बाज देंगे, अगले दिन उठ के बेचेंगे इसको। तो भैया क्या क्या खर्चा है? $640 का खर्चा है इसमें, ठीक है? तो कर दो आप इसको रिपेयर। स्किल पॉइंट रिपेयर स्पीड, ओके ठीक है बाद में कराएंगे। चलो ये रिपेयर में लग गया अपना। तो जब तक ये रिपेयर होता है तब तक के लिए भाई लोग, अगर चैनल पे अभी तक बने हुए हो और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो और वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम इसी तरीके के मज़ेदार गेम प्ले वीडियो अपने चैनल पर लाते रहेंगे। तो हम फिर से आ चुके हैं अपने ऑफिस के पास में, और यहाँ पर कुछ कचरा तो है नहीं क्योंकि अगला दिन हुआ नहीं है। 6:30 हो गए भाई, जल्दी जल्दी से बना दे, बेचेंगे। तो स्पंज हमने परचेस कर लिया है अब यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारा शो करेगा स्पंज, ठीक है? तो इससे हम अपनी कार को साफ करेंगे। तो अभी तो रिपेयरिंग में है, रिपेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ देखते हैं। एक सेकंड, मैं इसको हटा सकता हूँ क्या? एक सेकंड, हाथ से हटेगा। और तो 85% ये हो चुका है रिपेयर, ठीक है? कर लो कर लो, और कर लो रिपेयर कर लो। और मैं यहाँ से अगर साफ़ कर सकूँ इसको तो साफ़ हो जाएगा क्या? वो साफ़ हो जाएगा यहाँ से, ठीक है? मैं साफ भी करता जाता हूँ, रात होने में बस कुछ देर ही बाकी है, और रात होगा तो फिर हम चलेंगे घर सोने के लिए। A few moments later. ठीक है, तो ये कार हो चुका है पूरा तरीके से साफ, तो हम इसको लेके चलते हैं और अपने ऑफिस में छोड़ते हैं इसे। ड्रिफ्ट तो अच्छी मार रही है ये। ज़्यादा स्पीड मत चला भाई, ठोक देगा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, बस 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 इस जगह पर रुक जा, ठीक है? यहाँ से निकल के हम चलते हैं फटाफट से, अपनी दुकान बंद करेंगे, ऑफिस बंद करेंगे, ऑफिस क्लोज। सुबह आके बेचेंगे भाई इसको हम, जल्दी जल्दी से मैं चलता हूँ, सुबह आता हूँ। The next day. तो हम हो चुकी है यहाँ पर प्यारी सी सुबह, और हम चलने वाले हैं अपने ऑफिस। ऑफिस जाके उस कार को सेल करेंगे। और यहाँ पर क्या दिखा रहा है, द ऑक्शन इज़ ओपन टुडे 11 AM। तो सुबह सुबह ऑक्शन हाउस जो है वो खुल जाएगा। तो हम फिलहाल ऑक्शन को देख लेंगे कि कैसा दिखता है वो ऑक्शन हाउस भी, ठीक है? यहाँ पर साफ़ सफाई करके मैं अपने ऑफिस को खोलूँगा और उसको सेल पर लगाऊँगा फटाफट। और ये हो चुका है हमारा शायद ऑफिस क्लीन, नहीं एक एक थैली और बच गया है, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा उठा के साफ। और यहाँ से हो गया ये भी थ्रो, और ये अपना हो गया ऑफिस पूरी तरीके से क्लीन, ठीक है? तो मैं इसको कर लेता हूँ ओपन, और थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ गंदगी तो नहीं आई इस कार के अंदर। गंदगी तो आ चुकी है शायद, तो इसको मैं फिर से साफ़ कर लेता हूँ। एक सेकेंड यार, बैठना नहीं है, सफाई करनी है। स्पंज कहाँ गया अपना? ये रहा, देखो डर्ट इसमें आ ही गया है, रात भर रखने से इसमें गंदगी बैठ गई है। इसको मैं साफ़ कर लेता हूँ, साफ़ सुथरी करके कार बेचेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है? फटाफट से साफ़ हो जाएगी ये कार भी, हो चुकी है, थोड़ी बहुत बची है। जितना कार हम साफ़ करेंगे उतनी हमारी एक्सपीरियंस बढ़ती रहेगी, हम जल्दी जल्दी स्किल पॉइंट्स खोलते रहेंगे अपना। इस वजह से हम कार भी साफ़ कर रहे हैं, और एक वजह है कि कार साफ़ रहेगी तो अच्छे खासे अमाउंट मिलेंगे, जितने बोल रहे उतने। ये तो गंदी कार देख के कोई भी पैसा उतना ज़्यादा देता नहीं है, ठीक है? तो ये हमारी कार हो चुकी है पूरी तरीके से क्लीन, और मैं अब टैबलेट से इसका फ़ोटो खींच लेता हूँ। पहले अपना फ़ोटो जो पहले से है उसको डिलीट करेंगे। ये सब डिलीट हो जा भाई, सब डिलीट हो जा, सब डिलीट सब डिलीट, ठीक है सब डिलीट हो गया। अब यहाँ से कर लेते हैं फ़ोटो क्लिक, एक फ्रंट लुक ऐसे, ठीक है, और एक साइड लुक इस तरीके से कुछ, ठीक है, और एक बैक लुक खींच लेंगे यहाँ से, ठीक है, और एक इस साइड से, ठीक। तो चलो अब इसको हम डाल देते हैं सेल पे,
और इसका नाम भी वैसे ही है, वैगन है कुछ, बहुत बड़ा सा नाम है यार, क्या तब बड़ा बड़ा नाम रखते हैं लोग। ये वैगन है, WEGON वैगन, और इसे हमने ख़रीदा है 9,900 में, 640 का रिपेयर कराया है, मतलब ये हमें अराउंड 10,500 के समथिंग कुछ का पड़ गया है ये, है ना। और ज़्यादा किलोमीटर चली नहीं है ये, 26 किलोमीटर चली है, 1984 का मॉडल है ये। तो हम इसका रेट रख लेंगे, 10,000 की ख़रीदे हैं हमने ना, तो इसका रेट हम 14,500 रखेंगे, 14,500 रेट रख लेते हैं और इसको सेल कर देते हैं। चल भाई लग जा सेल पे, ठीक है। तो चलो एक ऑफिस को खोल के हम, एक सेकंड, क्लोज ऑफिस है अपना ना, ऑफिस क्लोज ही क्यों खुली है, हाँ ओपन है, ऑफिस ओपन है। और यहाँ अभी 11 तो बजे नहीं है, 10:30 हो रहे हैं, आधे घंटे का टाइम है अपने पास में। और चलो यहाँ पर वेट कर लेते हैं हम, और थोड़ी सी दारू वारू पी लेते हैं हल्की सी। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी दारू पी लेते हैं और क्यों से इसको हटा देते हैं भाई, हट जा, थोड़ी सी बहुत है। और इतने में चढ़ गया भाई, थोड़ी सी पीने से ही चढ़ गया अपने को, ऐसा क्या नशा हो जाता है भाई इसको। चलो दारू पी के तो नहीं कस्टमर झेलेंगे, थोड़ा सा आने दो कस्टमर को। तू अंदर कहाँ आ रहा है भाई, अंदर आके खरीदेगा क्या? वो ऑफिस के अंदर घुस गया ये, अंदर घुस के फिर खरीद रहे, बताओ इसको चढ़ गई या हमें चढ़ गई? क्या बोल रहे हो भाई, 14,500 तो बोला है मैंने, बताओ आप क्या रेट दे रहे हो, 14,170। वैसे आईडी अच्छी डील है, देखते हैं एक आध कस्टमर और आ जाए, एक आध कस्टमर। हाँ ये आ गई हैं दीदी जी, इनका रेट देख लेते हैं फिर आपको भेज देंगे। वैसे आपकी डील बहुत अच्छी है, हमें पसंद आई, हम ख़रीदने के लिए तैयार हैं, मतलब बेचने के लिए तैयार है आपको 14,100 में। और ये 14,344, हाँ दीदी आप ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ये वैसे भी अंदर घुस गया था, फोकट का खाने के लिए घुस गया था ये अंदर, पीट सकते हैं क्या इसको? नहीं पीट सकते। और ये जा रहा है, और जाते जाते बीच से गायब हो गया, क्या बात है। अपना ऑफिस कर लेते हैं क्लोज, और 12:13 हो गया है, मैं फटाफट से चल जाता हूँ ऑक्शन के पास में। ऑक्शन अपना शायद से स्टार्ट हो गया होगा, 11 स्टार्ट होने वाला था, तो हम शायद हो चुके हैं लेट। चल भाई जल्दी, हमें क्या टिकट ख़रीदना पड़ेगा यहाँ पर? अंकल टिकट दे दिया है भाई इसने, क्या क्या रेट की चल रही है ये, बहुत महंगी महंगी कारें हैं ये तो है। इसके ऊपर बेड लगाऊं क्या, कहाँ से लगाएंगे बेड, बेड कहाँ से लगा सकते हैं? हेलो, लगता है देखना पड़ेगा भाई, अगर किसी को पता है कि यहाँ पर बेड कैसे लगाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हम बेड नहीं लगा पा रहे यहाँ पर, पता नहीं क्या हो गया। हेलो, सब बेड लगा रहे हैं, हम नहीं लगा पा रहे, कैसे लगाएंगे? तो ठीक है, फ़िलहाल हमने देख लिया है कि ऐसे ऐसे ऑक्शन होती है, और यहाँ पर सब बेडिंग कर रहे हैं, 3-4 खुली है कारें, वैसे उतनी खास खास कारें नहीं हैं, फिर भी एक ये लास्ट वाली खुल गई, विल स्टार्ट स्टार्टिंग, बेड स्टार्ट हो रही है, स्टार्टेड, 36,000 से स्टार्ट हुआ ये, बहुत ज़्यादा महंगी कार है भाई यहाँ पर। इसको बाद में हम यहाँ पर आएंगे अच्छे खासे पैसे कमा कर तब यूज़ करेंगे। तो फ़िलहाल चलते हैं हम अपने घर की तरफ, अपना हो चुका है सब काम कंप्लीट, और चल दो फटाफट से चलते हैं घर पे। तो ठीक है, यहाँ हम आ चुके हैं अपने कंटेनर के अंदर वापस से, बहुत थक गए हैं भाई, और हमारा प्रॉफिट हो चुका है $14,343 का, तो हमने बहुत अच्छे खासी कमाई कर ली है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ एक चीज़ भूलना मत कि ऑक्शन हाउस में बैट कैसे लगाते हैं इसका प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।